पता है सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने तिरंगा यात्रा को लेकर दिए गए अपने वादित बयान से पलटी मार लिया। बर्क ने कहा कि तिरंगा फहराने के लिए किसी के कहने की जरूरत नहीं है, तिरंगा हमारे मुल्क की आजादी की निशानी है और तिरंगा फहराने से हमें कोई एतराज नहीं है। ये भी आपको बता दें कि शफीकुर रहमान बर्क ने पहले तिरंगा यात्रा को लेकर विवादित बयानबाजी की थी। बर्क ने कहा था कि तिरंगा यात्रा निकालने से जनता का पेट नहीं भरेगा। तिरंगा यात्रा का बहिष्कार करते हुए उन्होंने कहा था कि हाथ में तिरंगा लेकर घूमने से जनता का पेट नहीं भरने वाला है। इसमें किसी के कहने की जरूरत नहीं है, हर आदमी अपने घर पर झंडा भी लगाता है। मैं खुद अपने घर पर भी झंडा लगाया है मैंने, और मैं 15 अगस्त को मुख्तलिफ कॉलेजों के अंदर मैं इनवाइट हूँ तो वहाँ भी झंडा लहराऊंगा। तो ये झंडा तो हमारे मुल्क के देश की आज़ादी की निशानी है। 15 अगस्त में झंडा फहराने से किसी को कोई एतराज नहीं है, बल्कि खुशी है। 27 तो उलमा फांसी पर लटकाए गए और कितने हजारों मुसलमान जेलों में बंद रहा, सीने पे गोलियां खाई जलियाने वाले बाग में। अच्छा, तो कुर्बानी क्या पैमाना, देशभक्ति का पैमाना क्या झंडा माना जाएगा या कुर्बानी मानी जाएगी?